discuss the next chapter in pharmaceutics too. The next chapter is semi-solid dosage form. पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज सेमी-सॉलिड. सेमी-सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है जो हम लोग मेनली जो हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नली, जो है एक्सटर्नली हम लोग स्किन के लिए यूज करते हैं जो प्रेपरेशंस, उनको हम लोग बोल देते हैं सेमी-सॉलिड डोजेस फॉर्म. इनका मेन जो यूज है एप्लीकेशन क्या है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसकी कि हम लोग स्किन के ऊपर इसको यूज करते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए हम लोग जो डोजेस फॉर्म यूज करते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हो, वो ना तो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में होती ना ही हमारी जो प्रॉपरली सॉलिड फॉर्म में होती, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होती, वो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. इस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो हमारे मेडिसिन इंक्लूडेड है, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज और सपोजिटरीज, ये हमारे किस में आते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में. हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका पहला जो है टॉपिक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर ऑइंटमेंट, कि ऑइंटमेंट में जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें हमारा पहला टॉपिक है ऑइंटमेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको आज स्टार्ट करेंगे. अब इसमें है हमारे पास कि ऑइंटमेंट, व्हाट इज ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट क्या एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसको हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं स्किन के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे. जो हमारे पास ऑइंटमेंट है इसमें क्या दे, मेडिकामेंट और मेडिकामेंट डिसॉल्व्ड जो है हमारे पास सस्पेंडेड जो हमारे पास सब्सटेंसेस है वो यूज होते हैं इसमें. जो मेनली जो ऑइंटमेंट्स है उसको हम लोग यूज करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स के लिए. जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल्स हैं उनमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट. इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या यूज है, ये नीचे लिखा माइक्रोबियल वाटर सोल्युबल ऑइंटमेंट, मींस जिन इसका क्या यूज है, ये एंटी माइक्रोबियल हम लोग इसको यूज करेंगे. जो ऑइंटमेंट है उसकी हमारे पास एग्जांपल है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट. हम लोग इसका यूज क्या है, माइक्रोबियल में करेंगे, जो हमारे पास माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे. अब जो ये ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट में क्या इसका हम लोग देख लेते हैं कैसी होगी. जिसमें आप लोगों ने जैसे जो ऑइंटमेंट है ये हमारी इस टाइप की ऑइंटमेंट होगी, ना तो ये सेमी सॉलिड है और ना ही सॉरी ना तो ये सॉलिड है और ना ही ये क्या है हमारे पास सेमी सॉलिड लिक्विड है. ये हमारे पास क्या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है या जो इसकी फॉर्मूलेशन है वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि ये हमारे जो स्किन है उसके ऊपर अपना इफेक्ट शो कर सके, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑइंटमेंट. जो ऑइंटमेंट है वो हम लोग मेनली इसका यूज किस में होता है, यूज ऐसे हम लोग प्रोटेक्टिव भी यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के कारण भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं स्किन में. और ये हमारे जो है हमारी स्किन है उसको सॉफ्टनेस इमोलिएंट जो है प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारी स्किन को सॉफ्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड ऑइंटमेंट. अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, कि हमारे पास टू टाइप की क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू देयर थेरेप्यूटिक यूज. अब हम लोग अगर स्किन के अकॉर्डिंग देखें, इसकी जो स्किन की पेनिट्रेशन है, स्किन पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो वो तीन टाइप से है, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक एंड डायाडर्मिक. ये तीन टाइप से हम लोग जो अगर पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग जो ड्रग ऑइंटमेंट उसको क्लासिफाई करेंगे तो थ्री टाइप्स है हमारी, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक एंड डायाडर्मिक. अब आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी जो स्किन उसमें तीन लेयर्स होती हैं, फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोल देते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस
हमारी जो स्किन है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। फर्स्ट है जो एपिडर्मिक, एपिडर्मिक क्या, द ड्रग एक्शन ऑन द डर्मिस एंड जो है प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट एंड नॉट वाटर सोल्युबल। ये जो एपिडर्मिक है ये क्या करेगी, हमारी स्किन की जो ऊपर वाली यहाँ पर लेयर है, ये जो हमारी लेयर है यहाँ, अगर हम लोग इस पर लगाएंगे कोई भी ऑइंटमेंट, हमारा पेन हो रहा है या इरिटेशन है, कोई एलर्जी है, उसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर ऑइंटमेंट लगाएंगे तो ये हमारा इफेक्ट इसी जो लेयर के ऊपर करेगा, डर्मिस लेयर के ऊपर, और लोकल इफेक्ट शो होगा। ये इसमें क्या है, इट इज़ नॉट अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब नहीं होती आगे लेयर में। इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, जैसे यूज एज प्रोटेक्टिव एंड एंटीसेप्टिक्स की फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे जो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट है हमारा। जो सेकेंड है एंडोडर्मिक, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट में क्या है कि एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ कुटेनियस टिश्यू, इसका जो एक्शन है वो कुटेनियस जो टिश्यू है वहां तक जाएगा, डीपर एक्शन जाता है, और इसमें जो हमारे पास जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये पार्शली अब्सॉर्ब होती है। कुछ इसमें ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी स्किन में जाकर, जिससे ये हमारी स्किन में डीप लेयर तक अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। इसमें जो है ड्रग है हमारे पास, जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट लोकल इरिटेंट, जो लोकल इरिटेंट है हमारे उसकी फॉर्म में और स्टिमुलेंट की फॉर्म की तरह ये ऑइंटमेंट क्या एक्ट करेगी हमारी बॉडी में। जो एपिडर्मिस है वो क्या, सिर्फ लोकल जो पेन है वहां तक, जो हमारा लोकल स्किन है, स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है उसी पर ही इफेक्ट शो करेगी, वो हमारी स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होती, और ये इजिली जो वाटर सोल्युबल जो है हमारी, दे आर नॉट सोल्युबल, वाटर सोल्युबल नॉट अब्सॉर्ब, और ना ही वाटर सोल्युबल है और ना ही अब्सॉर्ब है, अब्सॉर्ब होगी। एंडोडर्मिक क्या, ये डीप लेयर तक इफेक्ट शो करेगी कुटेनियस टिश्यूज तक, ये पार्शली अब्सॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन में, और ये एक्ट करेगी स्टिमुलेंट और लोकल इरिटेंट की तरह, हमारा जो पेन है उससे रिलीफ करवाएगी। नेक्स्ट है हमारी डायाडर्मिक, डायाडर्मिक जो हमारी लेयर है, जो डायाडर्मिक टाइप है ऑइंटमेंट की, ये क्या डीप पेनिट्रेशन है इसका, एंड रिलीज द मेडिकमेंट दैट पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ये हमारे स्किन में से पास होकर हमारे सिस्टमिक, हमारे बॉडी में जाकर सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगी, मींस डीप लेयर है, डीपर जाएगी उसका पेनिट्रेशन जो पावर है डीप है, एंड रिलीज द मेडिकमेंट, अपना मेडिकमेंट रिलीज करेगी, देन फिर पास हो, स्किन के थ्रू पास होकर मेडिकमेंट रिलीज होगा, जिससे क्या होगा हमारा जो बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट है वो शो होगा। ये हमारी जो थर्ड टाइप है डायाडर्मिक, जैसे बहुत ज़्यादा जब चोट लगती है, मोच आ जाती है या पेन होता है, तो उस टाइम हम लोग जो मूव है मूव का यूज़ करते हैं, और या फिर जो अदर हमारे पास ऑइंटमेंट्स है उनका यूज़ करेंगे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मूव काम करती है, मूव क्या है, हमारी बॉडी में अगर डीप पेन है तो वहाँ पर जाकर अब जो ड्रग रिलीज होती है और हमें रिलीफ मिलता है, ऐसे ही है जो डायाडर्मिक ऑइंटमेंट है वो भी सेम इसी तरह वर्क करेंगे, हमारा जो सिस्टमिक इफेक्ट है वहाँ पर जाकर अपना जो सिस्टम है वहाँ पर इफेक्ट शो करेंगे और हमें रिलीफ करवाएंगे पेन से। सेकंड है हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज, थेरापेटिक यूज में हमारे पास इसकी जो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, जैसे एंटीफंगल इफेक्ट, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे, इसके अदर और भी एग्जाम्पल हम लोग तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक की यूज, एंटीबायोटिक में हम लोग जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स हैं उनका क्या यूज है कि जो बायो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको किल करना और प्रिवेंट करना
हमारी जो स्किन है, बॉडी है, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उससे बैक्टीरिया को। एंटी फंगल जो हमारे फंजाई है, फंगल है, फंगस है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करना, और ट्रीटमेंट में जो है हेल्प करना। अगर किसी की फंगस इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए डॉक्टर ऑइंटमेंट देते हैं, कई बार एंटी फंगल ऑइंटमेंट वो हम लोग स्किन पे लगाते हैं, उसके बॉडी पार्ट पे जहाँ पर इन्फेक्शन हुई है वहाँ पर लगाते हैं, जिससे जो फंगस है वो ट्रीट होने लग जाती है, उसमें जो है ठीक होने लग जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी में हम लोग जो ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे किसी को एलर्जी है या इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो ऑइंटमेंट्स देते हैं, जैसे कई बार स्किन रैशेज हो जाते हैं या फिर हमारी जो स्किन है उसमें कोई किसी भी टाइप की जो एलर्जी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए जो ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं उसको बोल देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट। ये थेरापेटिक यूज़ अलग अलग एलर्जी या अलग अलग जो है डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो ऑइंटमेंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे ऑइंटमेंट बेस। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन दो टाइप के, एक तो हम लोग स्किन के अकॉर्डिंग ऑइंटमेंट को क्लासिफाई करेंगे पेनिट्रेशन थेरेपेटिक यूज पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड हम लोग सिर्फ थेरेपेटिक यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, जैसे जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स है उनका यूज हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं, और जो एंटी फंगल है उनका यूज फंगस को किल करने के लिए, और जो एंटी इन्फ्लामेटरी है उसका हम लोग यूज जो करते हैं वो है एलर्जी के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है ऑइंटमेंट बेस। अब कोई भी जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते, कोई भी हम लोग फूड में कोई प्रेपरेशन बनाते हैं या फिर मेडिसिन में कोई भी प्रेपरेशन बनानी, तो उसके लिए हम लोगों को बेस जरूरी है जो हमारे उस मेडिसिन में या फूड में डलते हैं। जैसे केक है, केक का पहले बेस बना लेते हैं, फिर हम लोग आके उसको उसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ऐसे हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास ऑइंटमेंट बेस है। ऑइंटमेंट बेस क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, पार्ट है हमारा ऑइंटमेंट का, विच सर्व एज कैरियर और व्हीकल फॉर द मेडिकमेंट्स, जो हमारे मेडिकमेंट और हमारा जो व्हीकल है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जो आइडियल ऑइंटमेंट बेस है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी है, जिसको हम लोग कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको जो हमारा एन आइडियल ऑइंटमेंट बेस शुड पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन, एक तो हमारा जो ऑइंटमेंट बेस है इट शुड बी इनर्ट, ऑर्डरलेस और स्मूथ होना चाहिए। सेकेंड, फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, जो ऑइंटमेंट बेस है शुड नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन। एंड फिफ्थ है जो हमारे पास, इट इज कंपैटिबल विद स्किन, के स्किन के लिए वो कंपैटिबल होना चाहिए। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑइंटमेंट बेस की। पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑइंटमेंट की, दो टाइप की थी। अब ऑइंटमेंट बेस है जो हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑइंटमेंट बेस हमारे पास फोर टाइप के हैं, ओलिगोजिनस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन एंड वाटर सोल्युबल बेस। हम लोग इसको देख लेते हैं। एंड फोर्थ वन है इमर्शन बेस।
हमारे पास बेस है फर्स्ट ओलियोजीनियस, सेकंड वाटर सोल्यूबल एब्जॉर्प्शन एंड इमर्शन बेस। हम लोग फर्स्ट इसमें जो डिस्कस करेंगे ओलियोजीनियस जो बेस है ये क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोकार्बन हैं, वेजिटेबल ऑयल है, वैक्सीज हैं, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हम लोगों को पता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है, वैक्सीज हैं, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन बेसिस आर, इसमें हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हमने यूज़ किया, हाइड्रोकार्बन जो बेसिस हैं वो हमारे पास दो टाइप के हैं, फर्स्ट है सॉफ्ट पैराफिन एंड सेकेंड है हार्ड पैराफिन। जैसे हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल ऑयल, वैक्सीज, वो यूज होते हैं। इसमें जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के, इसमें सॉफ्ट पैराफिन एंड हार्ड पैराफिन। जो सॉफ्ट पैराफिन है वो क्या, प्यूरिफाइड है हमारे पास सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन का, जो ऑब्टेंड किससे होता है, पेट्रोलियम से। एंड इसमें हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप है सॉफ्ट पैराफिन में, व्हाइट और येलो सॉफ्ट पैराफिन। व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड येलो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 38 डिग्री से लेके 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो व्हाइट पैराफिन है उसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड व्हेन मेडिकामेंट्स व्हाइट और कलरलेस, अगर व्हाइट और कलरलेस की मेडिकामेंट हमने प्रिपेयर करनी है बट उसमें हम लोग यूज करेंगे। नेवर यूज इन द आई ऑइंटमेंट, हम लोग जो ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट्स हैं, आई के ऑइंटमेंट्स, उसमें हम लोग व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन का यूज नहीं करते, क्योंकि जो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है समटाइम हम लोग उसको ब्लीच कर देते हैं, उसमें जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं या ब्लीचिंग जो एजेंट्स हैं वो रह जाते हैं। अगर हम लोग व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन का उसमें यूज करेंगे ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट में, तो जो वो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं वो क्या हमारी आई में जाकर इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारी आई में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए हम लोग जो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है उनको आई की प्रेपरेशन में यूज नहीं करते। सेकेंड है हमारे पास हार्ड पैराफिन। हार्ड पैराफिन क्या है, सॉलिड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ऑब्टेंड होते हैं हमारे पेट्रोलियम से, और ये क्या है हमारे पास कलरलेस होंगे, कलरलेस ऑर्डरलेस होंगे। इसमें जो वैक्सीज है, ये हमारे जो हार्ड पैराफिन है ये किस तरह में शो होते हैं, जैसे वैक्स है, वैक्स की तरह हमारे पास जो हार्ड पैराफिन होंगे वैक्स की तरह दिखते हैं। इनको हम लोग यूज किस में करते हैं, यूज टू हार्डन और सॉफ्टन द ऑइंटमेंट बेस, जो ऑइंटमेंट बेस है उसको हार्ड करने के लिए या फिर उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे हार्ड पैराफिन का। एक इसमें थर्ड और टाइप है जो है लिक्विड पैराफिन। मिलेगा हमें जो ऑब्टेंड होगा वो होगा हमारा लिक्विड पैराफिन।
इसको हम लोग आल्सो नोन एज, ये इसका अदर जो नेम है उसको हम लोग बोल देते हैं वाइट मिनरल या फिर लिक्विड पेट्रोलियम। सेकंड है हमारे टाइप एब्जॉर्प्शन बेस। Water in oil and second known non-emulsifying base या non-emulsifying base है। हमारा जो non-emulsifying base है उसमें क्या है, ये absorb क्या कर लेता है, water and aqueous solution से वो absorb कर लेता है। And जो produce होगा water in oil emulsion, इसको हम लोग use करते हैं water in oil emulsion में, क्योंकि ये जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास जैसे वूल फैट, वूल अल्कोहल, जो हम लोग यूज करते हैं नॉन इमल्सिफाइंग बेस की फॉर्म में। वाटर इन ऑयल के जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब मोर वाटर, एग्जांपल जो है हमारे पास हाइड्रस वाटर जो है हमारे पास फैट, हाइड्रस वाटर फैट है जो उसमें नहीं, हाइड्रस वूल फैट है जो, इसका हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन बेस है वो हमारे पास अलग अलग है। जैसे फर्स्ट वन है हमारा वूल फैट। अब जो वूल फैट है वो किससे प्रिपेयर होता है, इट इज प्योरिफाइड वूल लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल ऑफ शीप, जो हमारी शीप की वूल है उससे ही हमारे पास जो है वूल फैट वो प्रिपेयर होगा। इसको हम लोग जो आल्सो नोन एज, इसको जो हम लोग बोल देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एंड द एनहाइड्रस लेनोलिन, लेनोलिन हम लोग इसको बोल देते हैं जो हमारे पास वूल फैट है। इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स है ये हमारे ऑइंटमेंट में, जो सिंपल ऑइंटमेंट है उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं वूल फैट का, एंड जो हमारे पास आई के ऑइंटमेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन में भी हम लोग वूल फैट का यूज करते हैं। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन में हमारे पास हाइड्रस वूल फैट। हाइड्रस वूल फैट भी हमारा किससे ऑब्टेंड होता है, शीप की वूल से जो है वो भी ऑब्टेंड होगा, सेम उसका भी प्रोसीजर है। इसमें क्या है, ये इनसोल्युबल वाटर हमारे पास सब्सटेंस है, वाटर में इनसोल्युबल है, सोल्युबल किस में होगा, ईथर में एंड क्लोरोफॉर्म में। इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, यूज एज अ इमोलिएंट, मतलब ये हमें जो है सॉफ्टनेस फील करवाता है, जो हाइड्रस वूल फैट है। इमोलिएंट का मीनिंग होता है सॉफ्टनेस फील करवाना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है वूल अल्कोहल। अब जो वूल अल्कोहल है इसका हम लोग जो यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स की फॉर्म में, इसका हम लोग यूज करेंगे इन द प्रेपरेशन ऑफ जो वाटर इन ऑयल की प्रेपरेशन हैं, इमल्शन हैं, उनको प्रिपेयर करने में हम लोग यूज करते हैं वूल अल्कोहल का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बीज बैग्स के, हमारे पास जो हनी के कॉम्ब है, हनी कॉम्ब ऑफ बी है, जो हमारे मधुमक्खियों के छत्ते से हमें जो बी मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं बी वैक्स। ये हम लोग जो मेनली यूज करते हैं, यूज्ड इन द स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट एंड जेलीज, पेस्ट जेलीज और ऑइंटमेंट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है कि हमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन बेस उसके एडवांटेजेस क्या है।
फर्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो हम लोग इसको बेस है वो हम लोग आर कंपैटिबल विद द लार्ज नंबर ऑफ मेडिकामेंट, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ मेडिकामेंट्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा हमारे पास मेडिकामेंट्स हैं हम लोग उसमें क्या एब्जॉर्प्शन बेस वो यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ये हीट स्टेबल होते हैं। थर्ड है हमारे पास जो है हमारे ये मेडिकामेंट्स हैं वो इजीली क्या कंपैटिबल है हमारी स्किन के लिए, और हमारे जो है फिजिकली और केमिकल उसमें जो रिएक्शंस नहीं होती। ये थे एडवांटेजेस थे हमारे एब्जॉर्प्शन बेस के। हमारे पास सब पहले जो हम लोग ओलिगो जो फेमस ओलिगोजीनियस जो बेस हमने किया था उसमें हमारे पास इसके कुछ रीजंस थे कि जिसमें हम लोग ओलिगोजीनियस जो बेस है उसको यूज़ क्यों नहीं करते। एब्जॉर्प्शन बेस को हम लोग यूज़ करते हैं हर एक जो मेडिसिन है ऑइंटमेंट उसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं। जो ओलिगोजीनियस बेस है इसके डिसएडवांटेजेस थे, कुछ रीज़न है कि हम लोग इसको प्रेपरेशन में यूज़ क्यों नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट वन रीज़न क्या है, ये एक तो ये ग्रीसी है, ग्रीसी पर टाइप का जो मटेरियल है। सेकेंड ये स्टिकी मटेरियल है, ये हमारे क्लोथ्स के साथ स्किन के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। एंड थर्ड वन है ये जो हमारा ओलिगोजीनियस मटेरियल है ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो प्रॉपर हमारे जो है इफेक्ट है वो प्रॉपरली शो नहीं कर पाता। ये इसके रीजंस थे जिसके कारण हम लोग इसको कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है इमल्शन बेस। इमल्शन बेस के एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ये क्रीम की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है जो हमारी क्रीम्स हैं। इसमें दो टाइप के हमारे पास बेस होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, जो हम लोग यूज़ करते हैं बोथ जो इमल्शंस है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर यूज़ करेंगे ऑइंटमेंट में। जो ऑयल इन वाटर है वो हमारे ज़्यादा पॉपुलर बेस है, ज़्यादा पॉपुलर ही हम लोग यूज़ करेंगे इनको, क्योंकि जो ऑयल इन वाटर की प्रेपरेशन हैं ये ईजिली रिमूव्ड हो जाती हैं, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हर एक प्रेपरेशन में। नेक्स्ट है लास्ट वन है हमारा वाटर सोलबल बेस। वाटर सोलबल बेस के हमारे पास ये ग्रीसलेस होता है ऑइंटमेंट है, इसको हम लोग इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। जो वाटर सोलबल हमारा बेस है इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है इसको हम लोग कार्गो वैक्स भी बोल देते हैं। जो कार्गो वैक्स है वो क्या होते हैं, इट इज़ वाटर सोलबल है ये जो इनर्ट सब्सटेंसेस है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्गो वैक्स को ऑइंटमेंट बेस की फॉर्म में उनकी प्रेपरेशन में। और अदर जो हमारे पास वाटर सोलबल ऑइंटमेंट्स बेस हैं जो यूज़ होते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज ट्रैकाग्लैंथ जेलेटिन पैक्टिन, और हमारे पास जो है ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं इनको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं एज अ वाटर सोलबल बेस। ये हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट ऑइंटमेंट जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सेमी सॉलिड की डेफिनेशन, ऑइंटमेंट की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन एंड देन बेस ऑइंटमेंट के जो बेस है वो डिस्कस किए। ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।